बाघ जैसा रंग लेकिन कुछ अलग ही ढंग। इस जानवर को देखकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अब जरा इसे गौर से देखिए। दरअसल ये एक कुत्ता है जिसे बाघ का रंग रूप देने की कोशिश की गई है ताकि फसलों को बचाया जा सके। दरअसल कर्नाटक के शिवमोगा इलाके के एक किसान ने अपनी फसलों को बंदरों से बचाने के लिए अपने कुत्ते के फर को बाघ के डिजाइन जैसा पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद कुत्ता बाघ जैसा दिखने लगा। दरअसल बीते कुछ दिनों से बंदरों ने किसानों की नाक में दम कर रखा था, इसके बाद ही किसान ने ऐसा तरीका निकाला। नरुल गांव के श्रीकांत गौड़ा ने 4 साल पहले देखा था कि एक किसान ने एक डॉल को टाइगर की तरह पेंट कर दिया है और उसे खेतों में लगाया है। इस पुतले को देखकर खेतों में कौवे और बंदरों का आना बंद हो गया था। बस फिर क्या, उसने यहीं से प्रेरणा ली और अपने कुत्ते को बाघ की तरह पेंट कर डाला। बगीचा है एक 25 एकड़ का। बाद में मैं जो कॉफी और सुपारी और इलायची वगैरह ग्रो करता हूँ, तो हमारा बगीचा में बहुत मंकी लोग आता था। वो आने के बाद हम लोग को बहुत ये शूट करने का वो सब नहीं है, इधर अलाव नहीं है। इसके लिए मैं क्या किया, मेरा जो सॉफ्ट टॉयस बाहर से लेके आके उसको रख के उसको डराता था। वो डरने के बाद में उन लोग वो डरने का छोड़ दिया, क्यों उसको आदत पड़ गया। उसका वजह से मैं क्या किया, मेरा बुलबुल बोल के एक मेरा कुत्ता है, वो कुत्ते को मैं हेयर डाई करके उसको बगीचे में लेके जाता था सुबह और शाम को। अब बाद में वो ये देख के मेरा कुत्ता को देख के भाग जाता था। भागने के बाद सब सुबह और शाम को मेरा वही एक रूटीन था, क्यों इधर मंकी लोग के लिए कुछ भी इधर ये नहीं है, फ्रूट वगैरह नहीं है, क्यों इसके लिए इधर क्या हो गया, सब आर्केशिया वगैरह डाल के सब हमारा पुराना फीसिस हमारा गांव में जो था वो सब नहीं है। इसके लिए क्या किया, अभी इन लोग बगीचा में अटैक करते हैं। इसके लिए मैं हमने क्या किया, ये कुत्ते को ही पेंट करके उसको बगीचा में लेके जाके मैं ये मंकी लोग को भगाता। श्रीकांत अब अपने कुत्ते को बाघ की तरह पेंट करके रोजाना सुबह शाम खेत पर ले जाते हैं, और तो और कुत्ते को टाइगर समझकर बंदर खेत से भाग जाते हैं। ऐसे में अब फसलों को नुकसान भी नहीं होता। बता दें कि कुत्तों के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट की ये पहली खबर नहीं है। कर्नाटक के कई किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए कुछ ऐसे ही नायाब तरीके निकाले हैं, जिनकी कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी बन गई है।